सभी लोगों का नॉट गेम फ्लिट के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से अपने फोर्सा होराइज़न वर्ल्ड में, जहां पर हम लोग चलाते हैं गाड़ी अपने व्हील से और लेते हैं फील खतरनाक से लेके खतरनाक सुपर कार्स का, जो कि असली वर्ल्ड में बहुत ज्यादा महंगी होती है, लाइक करोड़ों करोड़ों में तो ले नहीं सकते। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, फील लोन गाड़ियों का गेम के अंदर। तो चलो चलते हैं, आज हम लोग लेने वाले हैं मर्सिडीज एएमजी 1, जो कि इस गेम की लिटरली बहुत आइकॉनिक गाड़ी है। तो चलो चलते हैं फटाफट से जाके लेते हैं। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबाना, 100 के लाइक का गोल है, जल्दी जाओ कंप्लीट करो। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है कर देना गाइस, 3 मिलियन की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और चलो चलते हैं फटाफट से फोर्ज़ा होराइज़न के अंदर। गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस अपने गेम के अंदर और अभी मैं चला रहा था अपनी लैम्बोर्गिनी एसेंजा SCV12 है, तो ये चला रहा था। और भाई लिटरली मैं हाईवे पे लेके आया हुआ था थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग राइड वो सब चीज़ों के लिए। ये क्या लग रही है देखो एक बार भाई, जो बिल्कुल एकदम ऐसा राइज सनराइज हो रहा है, उसकी रेज इस गाड़ी पे पड़ रही है और ये गाड़ी क्या चमक के लग रही है। नहीं अच्छा, SC का मतलब होता है स्क्वाड्रा कोर्स, ओके SCV12 इसीलिए बोलते हैं इसको, V12 तो इंजन हो गया बट स्क्वाड्रा कोर्स ओके भाई लिटरली यार ये अलग ही एकदम आइकॉनिक लैम्बोर्गिनी लगती है, अलग सी सही बताऊं तो। और मेरे मुझसे कितनी बार लिटरली इसके फरारी निकल जाते, लाइक फरारी SCV12 एसेंजा SCV12 ठीक है भाई, होता है यार गलती इंसान से होती है। लेट्स गो, हम लोग जाने वाले अभी सबसे पहले तो मैंने मैप नहीं लगाया, माई बैड भाई, हम लोग आगे जा रहे हैं, हाँ सही जा रहे हैं, परफेक्ट ही जा रहे थे। हम लोग घर नहीं जाना है, हमें जाना है होराइज़न में, क्योंकि भाई इस गेम के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मस्त गाड़ी है जो कि है अपनी मर्सिडीज AMG 1। तुम लोगों ने अगर कभी फोर्स होराइज़न सर्च भी करा होगा ना, तुम लोगों को बाहर से या फिर जिसने खेला भी होगा तुम लोगों को बाहर से ही भाई दिख जाती है वो जो गाड़ी लगी हुई होती है ना मेन एकदम, वही गाड़ी है अपनी जो मर्सिडीज AMG 1 है। मेरे को जेन्युइनली भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी और मैं कमेंट्स पढ़ा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लो, तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, तुम लोगों की बात सुन लेंगे, एक बार चेक भी कर लेते हैं। लाइक मेरे पास मर्सिडीज की GTR है बट वो मेरे को इतनी, मतलब कैसे बताऊँ, अच्छी है, सीधी सी बात है बहुत अच्छी है, बट वो उतनी पावरफुल उतनी ज़्यादा समझ लो खतरनाक नेक्स्ट लेवल नहीं लगी। बट देखते हैं भाई, कायदे से जो AMG 1 है वो प्रॉपर ट्रैक कार ही है भाई, तो मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा वो हूँ। लाइक ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, मेरे को गाड़ियों के बारे में पता रहता है जो गाड़ियाँ मैं लेने वाला होता हूँ, बट पहली बार ऐसा होने वाला है जो गाड़ी के बारे में मेरे को लिटरली कुछ भी नहीं पता, तुम लोगों को मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करनी पड़ेगी उस चीज़ में। तो चलो चलते हैं फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी को लेके मर्सिडीज AMG 1 खरीदने भाई, ऐसी लाइफ रियल में। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तो चलता है एक दिन भाई, एक दिन। चलो लगाते हैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे और चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या AMG 1 फर्स्ट हैंड बिक भी रही है या नहीं। तो हम लोग आ चुके हैं भाई एकदम ब्रांड न्यू कार्स के अंदर, हमें जाना है मर्सिडीज MMMMMM तो बहुत बात आएगा ना, IJK LMNOP, हाँ IJK LMN, ये रहा मर्सिडीज AMG। ओ भाई पहली गाड़ी AMG 1 भाई, जिससे मैं GTR ले रहा था मैंने ध्यान नहीं किया इस गाड़ी पे। ये देखो कायदे से ये GT4 है, ये अपनी मर्सिडीज की GTR ही तो पड़ी हुई है मेरे पास, C63S तो बहुत खतरनाक गाड़ी है, बहुत ज़्यादा मस्त। और बाकी फिर G63 को तो कौन नहीं जानता है, खैर इसमें G65 भी है तो इन गाड़ियों को तो कौन नहीं जानता है भाई, लेकिन हम लोग आए हुए इस गाड़ी के लिए जो कि है मर्सिडीज AMG 1 2021 लेजेंडरी कार है S2, उसके साथ 927 है और पैसे हैं 2.7 मिलियन क्रेडिट्स भाई, मजाक हो रही है 2.7 मिलियन क्रेडिट्स मेरे को ये गाड़ी लिटरली। व्हाट ओ भाई, ये गाड़ी क्या कूल लग रही है भाई, मैं गाड़ी को देख सकता हूँ कि प्लीज यार देख लो। ओ भाई साहब, अबे ये AMD का कहाँ से लग गया इसमें यार। क्या पता वैसे सही में यही हो जो ट्रैक कार घूमती हो, चेंज कैमरा। ओ माय गॉड भाई, ये गाड़ी क्या लग रही है भाई, मुझे नहीं पता था कि मर्सिडीज इतनी खतरनाक कार्स बना रहे है भाई। लाइक मैंने होने को यार जैसे अपना वो है क्या कहते उसे BMW की M4 GT भी है, बट भाई ये तो अलग ही चल रही है बिल्कुल, मतलब GT3 सॉरी BMW M4 GT3, बट भाई ये क्या लग रही है, ये तो अलग ही चीज है। इसका प्रॉपर नाम यही है क्या AMG 1?
भाई एमजी वन में ना एक्चुअल में रुको जा रहा है ये गाड़ी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गाड़ी मैंने, ये गाड़ी मैंने किसी तो भाई किसी तो शॉर्ट वॉट में किसी में देखी थी, और उसका ये कलर, रुको जरा, ये कलर बॉस, ये कलर, हाँ यही था। ओ भाई लोग बोलते हैं कि ये वाला कलर जो होता है ना मर्सिडीज़ का, ऐसे पीछे से मर्सिडीज़ का लोगो होता है वो थोड़ा सा चमकता है ऐसे करके, तो ये कलर अकेले का ही भाई कितने ही $100,000 का होता है, समझ रहे हो, सिर्फ ये कलर ही। और भाई फिर एम जी वन खुद में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, भाई क्या लग रही है यार ये कार, ओ माई गॉड भाई, टूरू लव भाई, टूरू लव लेजिट भाई। ओ भाई अंदर देख रहा हूँ, ये देखो साइड से भी पूरा इंजन इंजन की चीज़ें दिख रही हैं भाई, पीछे पूरा इंजन बे, आई गेस ये पूरा ढका हुआ ना ये इंजन बे, और कार्बन फाइबर से, भाई ये क्या लग रही है। और वो व्हील देखो, मर्सिडीज का लोगो देखो, ओ भाई मेरा सच्ची में बहुत ज़्यादा मन कर रहा है भाई इसके अंदर जाने का, अब भी के अब भी, बट सैडली इनसफिशियंट क्रेडिट्स हम लोगों के पास नहीं है इतने क्रेडिट कि हम ये खरीद सकें भाई। भाई रियल लाइफ में तो लगता ही था, पहली बार गेम में भी गरीब फील हो रहा है दिल से, बिल्कुल एकदम, तुम समझ रहे हो, मतलब एक होता है कि ठीक है भाई नहीं है क्रेडिट, भाई ऐसा लग रहा है कि क्या भाई कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, क्या ऐसे हो रहा है मेरे को। भाई फटाफट से एक काम करता हूँ, 2 मिनट दो, मैं जल्दी से फ्रेडी को कॉल करता हूँ। यार इतनी घड़िया गाड़ी चला रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। मैं फटाफट से फ्रेडी को कॉल लगाता हूँ और उससे पूछते भाई आसपास कोई रेस या कुछ चल रही है, हम लोगों को कितने चाहिए, 2.7 मिलियन, मतलब कि 1.6 मिलियन क्रेडिट चाहिए होंगे, तो अगर कोई क्रेजी रेस चल रही हो, कोई सीरीज जैसे चल रही हो जिसमें हमें इतना ज़्यादा पैसा मिल जाए, तो भाई मैं तो सीधे निकल जाऊँगा। एक काम करते हैं, या फिर करके देखते हैं, पहले एक दो रेसेस में जाके देखते हैं, ठीक है, अपनी असेंजा को लेके चलते हैं। यार एक ये गाड़ी भाई, यार इसका सही कह रहे हो तुमने, मैंने कमेंट भी पढ़े थे ना, तो ये गाड़ी का ना थोड़ा सा तो हो गया यार, कि मतलब ये गाड़ी का थोड़ा सा कंट्रोल पहले से खराब, कायदे से देखा जाए तो इसका कंट्रोल खराब नहीं हुआ है, इसका एक तरह से बस एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये गाड़ी पहले इतनी तेज नहीं भाग रही थी पहले गियर में, समझ रहे हो, तो उसकी वजह से ये गाड़ी अब लग रहा है कि इसका कंट्रोल उतना अच्छा नहीं रहा, बट एक्चुअल में गाड़ी का कंट्रोल तो वैसा ही है जैसा था, वैसा नहीं है, बट थोड़ा तो अच्छा ही है उससे और ज़्यादा, बट कायदे से देखा जाए तो ये गाड़ी बस अब बहुत तेज एक्सेलरेट कर रही है, जैसे ही पंजा दबाओ तो अलग ही जा रही है भाई। भाई लैम्बोर्गिनी से ड्रिफ्टिंग करेंगे आज। मजाक कर रहा हूँ यार, बस मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट से फ्रेडी का कॉल आता है फिर सीधे रेस पे निकलते हैं। तो गाइज हम लोग को फाइनली फ्रेडी का कॉल आ गया, और मैं तब से भाई अपनी गाड़ियों के साथ ही खेल रहा था, लाइक अलग अलग गाड़ियाँ ट्राई कर रहा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी बुगाटी शिरोन लगा ली थी। अभी चलते हैं फटाफट से, हम लोगों को एक रेस का कॉल आया हुआ है, हम लोग कहीं जा रहे हैं ना, हाँ चलो भाई निकालते हैं अपनी बुगाटी को भाई, लिटरली आई थिंक W16 इंजन है इसमें, अभी कौन सा है मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, अगर तुम लोगों को पता है, जहां तक मेरे को याद है बुगाटी शिरोन में W16 ही है ना, या फिर V12, पता नहीं W16 है शायद से, पता नहीं, मतलब एक बार तुम लोग बताना फिर भी, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं अपनी बुगाटी को लेकर, बहुत टाइम बाद निकाल लो मैं बुगाटी भाई, लेकिन इसका कंट्रोल गारंटीड लैम्बोर्गिनी से तो अच्छा है भाई, वो लाइक एसेंजा से अच्छा कंट्रोल है इसका, इवन दो इसका एक्सेलरेशन भी तगड़ा है, सब कुछ क्रेजी है, आई थिंक ऑल व्हील ड्राइव है इसकी वजह से, बट मैंने उसको भी ऑल व्हील ड्राइव ही बना दिया था, नहीं नहीं वो तो अभी भी रियर व्हील ड्राइव है, माई बैड भाई, देखा नहीं कैसे रपटे थे आज ये पहले गियर में। भाई यार बुगाटी का भक्ति है भाई, खास करके ऐसे कॉर्नर्स में पता है, और तुम लोग ऐसे ब्रेक लगाओ ना, एकदम से ऐसे ब्रेक लग रहे हैं ना खतरनाक, बिल्कुल मज़ा ही आ जा रहा है भाई, लेजिट एकदम से, मतलब अरे अरे सॉरी साइन। भाई साहब भाई क्या कार है यार ये, कसम से भाई ये अलग ही चीज है भाई, ये अलग ही चीज है यार, भाई लेजिट अगर तुम लोग देख रहे हो, थोड़ी देर पहले 11 किलोमीटर लिखा रहा था, और बुगाटी ऐसे भगते हुए चीरते हुए चल रही है ना रोडों को बिल्कुल, भाई अभी देख लो तुम लोग, 5 किलोमीटर हो चुका है वो 11। ओ भाई ये जगह यहाँ नहीं आना यहाँ गलती से भी भाई, इसके तो आसपास भी नहीं घूमना है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे को नहीं घूमना इस जगह के आसपास भी भाई। भाई लिटरली इस कार में ऐसे किलोमीटर कम हो रहा है जैसे हलवा चल रहा होगा भाई, 11 किलोमीटर तो हम लोग पहुंच भी गए,
और एक मिनट, मुझे आई डोंट थिंक सो इसमें से कुदानी चाहिए, ठीक है ना? हम लोग कुदा के बहुत आगे पहुंच जाते हैं, हद से ज़्यादा, और उसके बाद फिर दिक्कत होती है। लेट्स गो गाइस, हम लोगों को ये रेसेस जीतती है बस फ्रेडी के लिए, कैसे भी हो फ्रेडी हम लोगों को भाई पैसा वैसा तो देता ही है तगड़ा। सो लेट्स गो, मैं तो जा रहा हूँ भाई बुगाटी के साथ ही, ठीक है ना? मैं भाई, मेरे हत्ते बुगाटी लग गई, मैं तो सीधे बुगाटी से जा रहा हूँ भाई। मेरे को जो मज़ा आ रहा, क्या लगती है यार ये कार, डैम यार इसके, यार एलॉयज, यार मैं हर बार भूल जाता हूँ इसके एलॉयज चेंज कराने, बड़े गंदे लगते हैं ये एलॉय यार, ची ची। एलॉयज में काम मांग रही गाड़ी, बट जो क्रेजी लगती है ना, मज़ा आ जाता है यार। चलो एक मिनट, मेरे राइट में ही AMG वन है क्या? नहीं नहीं, अरे कहाँ यार, फुल्ली मॉडर्न बुगाटी है भाई, 0 to 100 में तो नहीं आ पाओगे तुम लोग, ऐसे कैसे भाई, कम ऑन यार, एक बार तो अंशु क्लीन रेस कर लिया कर यार। अबे चलना यार, घुमाए 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 घुमाए, देखो मैं आज बहुत ट्राई करूंगा कि चाहे हम लोग हारे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्लीन रेस करूं, ठीक है? मतलब ऐसे नहीं कि गाड़ी को कुछ भी ठोकते हुए चल रहे, कहीं से भी कुछ भी करते हुए चल रहे, चाहे मेरे को पूरी खड़ी करनी पड़ जाए गाड़ी, बट मैं प्रॉपर ट्राई करूंगा कि ठुके ना गाड़ी, ठीक है? आज 100% दूंगा मैं अपना, तुम लोगों को टेंशन मत लो बिल्कुल, और ऐसे ऑफ रोडिंग भी नहीं करूंगा, बट ठीक है। ये तो चलती है यार, ये तो चलती है थोड़ी थोड़ी, नहीं भाई लिटरली यार बुगाटी के साथ इट्स सो फन और इतना इजी भाई। चलो भाई ब्रेक्स भी तगड़े हैं बुगाटी के, मजाक से हट के भाई, इवन तो मेरे को जान बहुत लगानी पड़ रही है पैर से ब्रेक पे, बट जो मजा आ रहा है भाई अलग ही बिल्कुल एकदम। बुगाटी के टायर गारंटीड इस रेस के बाद मेरे को बदलने पड़ेंगे, तुम लिख के ले लो भाई। भाई जितने टायर स्क्रीच मार दिए ना मैंने इससे, चल भाई चल लेट्स गो। सेकंड लैप भी हम लोग ही फर्स्ट है, और काफी अच्छा लैप टाइम है हमारा, मजाक से हट के बहुत ही बढ़िया, हम लोगों ने ठोकी नहीं है ना इस बार ज्यादा, तो उसकी वजह से आई थिंक हमारा लैप टाइम, नहीं बोलते ही ठोकना है, हां बचा लो भाई गाड़ी का, तो क्या ही टायर के क्या ही धुएं निकाल लगे मैंने। नहीं 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 नहीं, बढ़िया भाई, मैंने बोल दिया तुमसे क्लीन रेस, मतलब क्लीन रेस का पूरा 100% ट्राई हो रहा है। चल 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 चल, अबे यार हल्की सी लगी है, ठीक है ना? Come on boys, अरे it was easy भाई। फ्रेडी मेरे को लिटरली बच्चों के बीच में खिलवा रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है भाई। भाई कोई लिटरली हम लोगों के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? मैं फर्स्ट गियर कर देता हूँ, एक बार पीछे देख। अबे यार अब फ्रेडी गाली देगा भाई, पूरी रेस हम लोग फंसते, एक बार ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट गियर डाल देता हूँ, पीछे दिखा देता हूँ, ये देखो कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है भाई देखो, और वो आगे फर्स्ट हो गया भाई। छी यार क्या बेवकूफ आदमी हूँ मैं भाई, यार हम लोग कब भी नहीं ले पाएंगे भाई मर्सिडीज AMG वन में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब हम लोगों को लिटरली भाई वो ट्राई भी नहीं देगा फ्रेडी, तुम समझ रहे हो ना भाई। एक बात बताओ, जिसके साथ तुम ऐसा कर लो कि तुम फर्स्ट चल रहे हो और उसके बाद तुम ऐसी हरकत कर दो, वो बंदा तुम्हें दोबारा रेस क्यों करने देगा अपनी साइड से भाई। अबे यार भाई मैं फ्रेडी को कॉल लगाता हूँ, लेट्स होप कि फ्रेडी हम लोगों को रेस करने दे, मैं तुम्हें झूठ भी नहीं बोल रहा भाई, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आई जस्ट होप फ्रेडी हम लोगों को रेस करने दे भाई, आई जस्ट होप भाई। अबे यार भाई तुम समझ रहे हो, मैंने लिटरली हम लोग पूरी रेस में फर्स्ट चल रहे थे पूरी रेस में, और एक गड़बड़ करी, एक बेवकूफी करी और खत्म भाई सब कुछ, इतने बेवकूफ है भाई।
चलो देखते हैं भाई, मैं लगाता हूँ फ्रेडी को कॉल भाई, इतनी पुरानी दोस्ती है ऐसे तो खत्म नहीं करेगा यार। भाई फ्रेडी ने हम लोगों को एक रेस का मौका दिया और वो कह रहा है भाई दोस्ती वोस्ती गई भाड़ में, पैसे है पैसे की जगह पे। भाई ऐसे कौन बात करता है, बट ठीक है भाई मैं जनरली बताऊंगा जो मैंने मिस्टेक करी है कायदे से भाई, बहुत ही बेवकूफ़ चीज़ थी और कभी नहीं करना भाई, कोई भी कभी भी मत करना इस चीज़ को। बट उसने बोला है कि वो ऐसी रेस है जिसमें मेरा कोई रेसर नहीं दौड़ रहा है, इसलिए मैं तुझे आने के लिए बोल रहा हूँ। अब ऐसी क्या रेस है भाई वो, तुम समझ रहे हो? उसने जेन्युइनली यही बोला है कि कोई रेसर उसमें जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं तेरे को बुला रहा हूँ। अब भाई मेरे को जेन्युइनली डर लग रहा है, ऐसी क्या रेस है वो जिसमें कोई भी बंदा आने के लिए तैयार नहीं है और तब जाके ये हमें बुला रहे है। भाई मेरे को सच्ची में डर लग रहा है, मेरे को जेन्युइनली नहीं पता ये कौन सी रेस की बात कर रहा है। और जहाँ का इसने लगवा रखा है वो रेस आज तक का नहीं करी है मैंने भी, और सारे रेसर्स मना कर रहे हैं वहाँ पर रेस करने से, तो कुछ तो बात होगी भाई, लिख के ले लो, कुछ ना कुछ तो बात होगी राइट, ऐसी थोड़ी ना कोई भी मना कर देगा। भाई हम लोगों को जाके ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन वही वाली बात है, अगर पैसे चाहिए, अगर मर्सिडीज़ एएमजी 1 खरीदनी है जो कि 2.7 मिलियन की है और अपने पास लिटरली 1.5 मिलियन कम है, तुम समझ रहे हो, और इतना बड़ा लोन वोन भी लेना है अगर हमें, तो हम फ्रेडी से ही ले पाएंगे। तो जल्दी चलो भाई, फटाफट से भगाते हुए चलते गाड़ी को। भाई रेस कैसी भी हो, इसका कोई भी रेसर उसमें जाने से मना कर दे, अब तुम्हारा भाई यू नो राइट, भाई तो है यार यहाँ पे टेंशन भी ले रहे हैं। चल बस पहुँच गए 200 मीटर। अब मुझे क्यों लग रहा है कि वो रेस ऐसी गलियों में होगी जैसी गलियों से मैं होके आ रखा हूँ, और मेरे को जनरली अब सही में मेरे को भी डर लग रहा है। रोड रेसिंग कैथेड्रल सर्किट, ओके भाई अब मैं समझ गया ये रेस कोई भी क्यों नहीं करना चाहता है। ओके भाई एक बार वो रेस सर्किट देखो, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे ये वो जो ब्लू बना आ रहा है, भाई ये क्या रेस सर्किट है, गुआना हुआतो। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, मैक्सिकन नहीं आती मेरे को भी भाई, लेकिन हम लोगों को कोई ऐसी गाड़ी चूज़ करनी पड़ेगी जो इसमें अच्छे से चले, ठीक है। अब ऐसी कौन सी गाड़ी है अपने पास जो कि ऐसे में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है हम लोगों को, एक ये तो अच्छी है भाई कॉर्वेट स्टिंगरे, तुम्हें पता ही है हमेशा से ही बढ़िया गाड़ी रही है, बट हम लोग अपनी वाइपर भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, डॉज वाइपर। यार मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, अभी कन्फ्यूजन हो ना, अपनी बेस्ट हैंडलिंग वाली गाड़ी निकालो, चाहे उतना अच्छा कायदे से, वैसे इस फरारी FXX के ईवो का बहुत ही क्रेजी एक्सेलरेशन है, बट वो ये बुगाटी के सामने तो नहीं है, बट स्टिल मतलब भाई इसका हैंडलिंग जो है ना, इसके हैंडलिंग को कोई बीट नहीं कर सकता भाई, इसके हैंडलिंग को कोई बीट नहीं कर सकता, तो मैंने तो इसलिए लिया है। लेट्स गो बॉयस, स्ट्रेच है, ये हार गए तो समझो नो एम। यार ये लोग यहाँ के वेटरन है पता है तुम्हें, अब मैं समझ गया नए रेसर यहाँ पे आने के लिए तैयार क्यों नहीं है, भाई ये लोग आगे पीछे नहीं जाने देंगे। शिट यार मुझे पता भी तो नहीं है यहाँ का, भाई पीछे के आने वाली गाड़ियों की आवाजें सुनो भाई, क्या क्रेजी है ये। नहीं, अबे यार मुझे इस जगह का पता नहीं चल रहा है, कैसे एकदम से टर्न आ रहे हैं, इनका तो पता है कि ये यू टर्न है। चल 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 फरारी कम ऑन, लेट्स गो। ओके कोई बात नहीं, फर्स्ट लैप में हम लोग सेकंड है, बट वो भी अच्छी चीज है भाई, ये सारे यहाँ के वेटरन है तुम समझ रहे हो ना, ये सारे यहाँ पे नॉर्मली ऐसी रेस करते हैं, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। नहीं 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 शिट भाई 11th पोजीशन हो गए एक बारी में, बेवकूफ आदमी हूँ ना, क्या करूँ यार यार, रू ये स्ट्रीट रेसेस में मैं भगा के भी नहीं निकल सकता आगे, जैसे एमरेल्ड सर्किट वो सब है ना, उनमें तो ऐसा होता है एक लंबे लंबे स्ट्रेच आते रहते हैं, तो उसमें तुम एक ही लंबा स्ट्रेच मारो, खींचो बैंकर गाड़ी को और सबसे आगे, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को मॉड भी तो ऐसे करा था 0-2।
100 के लिए, बट यार वो तो अच्छी बात है कि हमारे पास फरारी है और इसकी हैंडलिंग बहुत क्रेजी है। ओके फिफ्थ पोजीशन, कम ऑन, ये सेकंड लैप है, थर्ड लैप स्टार्ट होने वाला है। खींच खींच चंचू, नहीं 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 नहीं, फोर्थ पोजीशन नहीं ब्रो, कम ऑन। यार इसका कभी कभार वो रियर व्हील ड्राइव है ना यार, पंजा दबाते ही रपटना शुरू कर देती गाड़ी। ब्रो इस रेस में कॉन्सेप्ट कार भी चल रही है क्या भाई? मेरे पीछे वाली कार मोस्ट प्रोबेबली कॉन्सेप्ट कार है। हम लोग फिर से फर्स्ट हो गए, लेकिन लेट्स गो गाइस, लास्ट लैप, छोड़ भाई छोड़, कॉन्सेप्ट कार हो ना हो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है भाई। मेरे ख्याल से राइमैक चल रही है मेरे पीछे, आई एम नॉट श्योर, बट भाई ये क्या आवाज है यार भाई, ऐसे कान को मेलोडी लग रही है ना भाई। थोड़ा सा याद हो गया मेरे को ये, अब ठीक है ना, अब मुझे भी याद हो गया। ले भाई लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। भाई वो देखो पीछे कॉन्सेप्ट कार थी, लिटरली कॉन्सेप्ट कार थी पीछे। ओ भाई साहब ये क्या रेस थी ब्रो। वो देखो राइट में, देखो राइट में, देखो वो देख रहे हो राइट में, वो नॉर्मल कार नहीं है ब्रो। मेरे को नहीं पता वो कॉन्सेप्ट कार है या नहीं है मेरे को, लेकिन वो कुछ तो राइम है क्या कुछ तो लग रही है मेरे को, नहीं पता ब्रो 100%। बट भाई साहब, ओ भाई हम लोगों को फ्री की कार भी मिली है एक, ओके आई टेक इट। ओ भाई भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता है कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट रेस थी भाई, बहुत ज़्यादा टफ रेस। ओ फ्री के पैसे, कम ऑन यार 40,000 दे देता यार, पैसे चाहिए थे गरीब आदमी को, तुम यार 2,000 रुपये दे रहे हो भाई। बट लेट्स गो, हम लोगों की फ्रेडी से बातचीत तो सही हो जाएगी। ओ भाई गाइस हम लोगों को एक लास्ट रेस दे रखी है फ्रेडी ने भाई, कायदे से वो तो हमारा दोबारा से फैन हो ही है भाई। हम लोगों ने लिटरली वो रेस जीती है, तुम सोचो, जिसमें बंदे आने के लिए रेडी नहीं होते, तुम समझ रहे हो, उसके रेसर्स इसमें जाने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो रोड रेस होती है वो प्रॉपर वहीं के रेसर्स करते हैं और बाहर के लोग आते नहीं, क्योंकि उनके जीतने के चांसेस 0 to none है, तो इसलिए वो आने की भी ट्राई नहीं करते कभी। बट भाई तुम्हारे भाई ने कर दिया, लो भाई अब होती है बात यार। थोड़ा सा अपना टर्न मिस कर दिया। चलो फटाफट से चलते हैं लास्ट रेस की तरफ को, फिर होपफुली हम लोगों को पैसे वैसे के मामले में भाई कुछ भी कर दे भाई हम लोगों को। अगर वो लोन देता है तो मैं लोन लेने के लिए भी रेडी हूँ, और नहीं तो अगर वो बंदा हम लोगों को वो भी दे देगा ना, क्या कहते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं स्पिन्स दे दे या कुछ दे दे, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ भाई। लास्ट टाइम हम लोगों को याद करो, हम लोग कितने लकी हो गए थे स्पिन में, हम लोगों ने एक अल्टीमेट स्पिन किया था और उसके अंदर हम लोगों को सीधा भाई बच गए, सीधे खाई है नीचे, बोला सीधा खाई में जाते हैं अभी भाई। हम लोगों को लिटरली डायरेक्टली वो मिल गई थी अपनी कॉनिक सेक जेस को भाई, जिन जिनको याद है कमेंट में बताना, जिस जिसने वाला एपिसोड देखा जिसमें हम लोगों को व्हील स्पिन में कॉनिक सेक जेस को मिल गई थी भाई, 5 या कुछ ऐसे मिलियन की क्रेडिट की गाड़ी थी वो, 3 million या 4 million क्रेडिट भाई, बहुत क्रेजी था वो चीज़ भी। बट चलो अभी के लिए तो चलते हैं फटाफट से सीधा ये लास्ट रेस निपटाते हैं, उसके बाद होपफुली हम लोगों को इनफ व्हील स्पिन्स, या फिर अगर डायरेक्टली लोन भी कर देता है ना फ्रेडी तो मैं तो उसमें भी खुश हूँ भाई। फाइनल रेस है ये, क्या है, स्प्रिंट है। ओके स्प्रिंट में अच्छी गाड़ी, जो तुम्हारी खींचने लायक गाड़ी हो, ठीक है, कंट्रोल भी अच्छा होता हो, खींचे भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया हो भाई। M5 ऐसे में बहुत तगड़ी गाड़ी है वैसे कायदे से मेरी, बट M5 नहीं ले जा सकते, कम ऑन। ऐसी कौन सी गाड़ी है जो खींचने की, भाई यार खींचने की तो ये गाड़ी है, बट ये कंट्रोल नहीं होगी मेरे से, खास करके इतने लंबे स्प्रिंट में तो और ज़्यादा जान निकाल देगी ये गाड़ी मेरी यार। पता है ना तुम लोगों को, व्हेन इन डाउट ऑलवेज चूज GTR भाई, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो लाइफ में तो GTR ले लो भाई, खत्म कहानी। चलो निकालते हैं अपनी मीन मशीन द गॉडज़िला द बीस्ट को रोड पे भाई, हो जाए भाई, क्या लगती है यार R35 मजाक सेट के भाई, मेरे को इसका निज़्मो लेना है यार, मेरे को इसका निज़्मो लेना है ब्रो, गारंटीड भाई। लेट्स गो रिवेरा स्प्रिंट, हो जाए भाई हो जाए, फाइनल रेस क्या, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों को हमारी AMG 1 मिल जाएगी, वो आगे भी एक R35। ओए सॉरी सॉरी सॉरी, हुरकान ईवा वाले को मेरा सॉरी, R30 वाले को मेरा बाय बाय, क्यों, क्योंकि माइन इज बेटर ब्रो। यार यार कसम से यार, ये ना फरारी चलाने के बाद ना यार फिर इनको चलाता हूँ ना थोड़ा सा मूड ख़राब होता है, क्योंकि इनका कंट्रोल सही बताऊँ तो उतना अच्छा नहीं है, मतलब वैसा तो नहीं है कायदे से यार जैसा फरारी इसका है भाई। अभी लूज हो गया था
भाई ये लिटरली स्प्रिंट ही है ना यार, इतने ज्यादा टर्न्स क्यों है इसमें? चलो ना यार पीछे भाई रुको जा। भाई जब भाई GTR के पीछे है ना तो डर सिर्फ एक ही जने को लगना चाहिए और वो है अपोनेंट को। कम ऑन ब्रो, 44% ही हुआ है बट मैं लिटरली फोर्थ चल रहा हूँ, तुम समझ रहे हो? सॉरी फरारी बॉय, दो दो लैम्बोर्गिनी चल रही है क्या आगे? 50 लिखा था उसमें स्पीड लिमिट 50, यहाँ 250 चल रहे भाई। भाई यार ये गाड़ियां कभी कभार मेरे को ही लगता है मूर्ति नहीं है। कहाँ जा रहे हो सोनियो? रेस जीतोगे क्या भाई के बिना अकेले अकेले? अच्छा जी, 75% पे भाई से आगे आना है तुम्हें नेक्स्ट टाइम पक्का ब्रो। यार कम ऑन यार, लिटरली भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, फरारी का यार कंट्रोल बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार, मतलब मेरे को ना अपनी गाड़ी पूरी रोकनी पड़ जाएगी ऐसा लग रहा है मेरे को। हैंडलिंग में मजा नहीं आ रहा, मजाक से हट के GTR के यार वो, खास करके अभी फरारी चला के आओ ना इस स्पीड पे इतने प्यार से कटती है ना फरारी, और GTR लिटरली भाई रुला रही है प्रॉपर, मतलब भाई ये चीटिंग कर रहा है फरारी वाला, मैं बता रहा हूँ भाई ये चीटिंग कर रहा है फरारी वाला। कम ऑन, कम ऑन GTR भाई, हल्के में ले रहा क्या GTR को भाई? वो बंदे ने लिटरली एंड में देखा तुमने एज में कैसे चीटिंग करी, पूरी गाड़ी अभी गोल गोल घूम जाती मेरी, वो तो संभाल लिया मैंने भाई। और GTR जब सामने ड्रैग रेस होगी तो कहाँ से आओगे भाई GTR के आगे तुम? भाई जब ड्रैग रेस होगी तो GTR के आगे कैसे आ जाओगे भाई? लेट्स गो, सीधे होराइजन की तरफ को निकलते हैं भाई। फ्रेडी से पूछता हूँ मैं क्या करना है भाई, वो लोन दे सकता है या नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरे को तो भाई AMG 1 लेनी है, अब लेनी है भाई मुझे नहीं पता। मैंने एक गलती कर दी स्टार्टिंग में जो कि तुम सबको ही पता है क्या गलती करी है मैंने, ठीक है ना? अब वो हो गया है, हो गया भाई, अब कोई गलती नहीं, ठीक है ना? अब बहुत हो गया भाई, वो मैंने यार बेवकूफ़ी कर दी। मैं बोला देखो गाइस कोई भी नहीं है आस पास हमारे, और वहाँ पीछे से आते हुए दौड़ते हुए राक्षस जैसा आया भाई वो बंदा। चलो चलते हैं, 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से होराइजन का इवेंट, चलते हैं। होपफुली हम लोगों को भाई AMG 1 मिल जाए आज। भाई GTR है तो बहुत फास्ट भाई, 430 जा चुका, 433। एक और बार ट्राई करते हैं, 434 के ऊपर जा पाएगी क्या GTR? यार इसको चलाने में बिल्कुल लिटरली बच्चे जैसा ही हो जाता है यार ना। यार तुम्हारी भी ड्रीम कार अगर तुम ऐसे चला रहे हो तो तुम्हें भी मजा आ जाएगा भाई। चलो भाई पहुंच गए हम लोग होराइजन के अंदर, और वो 434 से ऊपर नहीं गई यार, मतलब चले जाएगी वो तो फिर छोटी मोटी चीज़ों का हेल्प लेके, जैसे स्लोप में ले जाएंगे फास्ट तो थोड़ा जाएगी, 1-2 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाएगी, वो सब चीज़ें जो नॉर्मल में था वो तो फिर फिजिक्स वाली चीज़ होगी, बट स्टिल मतलब। चलो भाई पहुँच गए, लेट्स सी क्या होता है। गाइस हम लोगों के पास आ गए ढेर सारे व्हील स्पिन और एक सुपर व्हील स्पिन उसको जीतने से, तो सबसे पहले तो हम लोग व्हील स्पिन करके देखते हैं। लेट्स होप भाई इसमें कुछ लेजेंडरी भी है, प्लीज वो लेजेंडरी मिल जाए प्लीज, जो भी लेजेंड नहीं नहीं मत मिलना मत। और यार 45 का है यार, लेट्स गो भाई, अपने पास 31 व्हील स्पिन है। मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही चलते रहे ना 45 45 आप 20 20 हज़ार मिलते रहे
तो हो जाएगा भाई आराम से। सीरियसली ब्रो 175 दिखा के 4,000 रुपए पे रोक दिया। यस भाई, वो रिप्रॉड मिलती तो और मजा आता। लेजेंडरी का 3 लाख क्रेडिट प्लीज प्लीज प्लीज। कभी कभार ना मन करता है भाई चप्पल बजा दूं मैं इस गेम के, लिटरली भाई 3 लाख क्रेडिट दिखा के 5,000 जो मिनिमम होता है वो। अरे वाह वाह, क्या करूं इसका है, हॉर्न बजाओ यहां बैठ के। बताओ यार भाई, यार प्लीज क्रेडिट दे दे भाई, 50, 1 लाख, 2 लाख भाई। मस्टैंग आरटीआर स्पेक ही दे देता फिर इसी बात पे, बीच में क्यों अटका दिया। बट ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दिमाग गाइस दिमाग फोकस। 125 बेटा तेरे ना इतने चप्पल बजाऊंगा ना मैं, 2 बार 175 गए और मिला क्या, लड़कियों की ड्रेस। मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, किसको दूं मैं ये। यस गोल्डन वाला वोक्सवैगन गोल्फ, 3 लाख दिखा के वोक्सवैगन गोल्फ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर इस वाले में मेरे को नहीं मिले ना क्रेडिट, मैं नाराज हो जाऊंगा ब्रो। सीरियसली मतलब नहीं मिले मतलब क्या, 4,000 थोड़ा दे देगा यार भाई। 175 दिखाए, मुझे 175 चाहिए, मुझे 175 चाहिए। भाई सुनो, नहीं हो रहे पैसे, नहीं होगी आज मर्सिडीज AMG 1 भाई, नहीं होगी आज 4,000 रुपये। थैंक यू यार, कि मैंने पैसे बोले भाई ने, इतने लगा दिए कि क्या बताऊं भाई, मेरे पास कोई वो नहीं है। 10,000 रुपये, 3 लाख क्रेडिट गए लिटरली। इतने ज़्यादा पैसे दिखा के मुझे क्या मिलता है, 3,000 रुपये। हाँ ओ ए, यही तो चाहिए था, इमोटी तो लेना है। उसके जस्ट ऊपर 1,75,000 रुपये थे, जस्ट ऊपर। चलो 35,000 तब भी एक्सेप्टेबल है भाई, कम ऑन प्लीज भगवान, हे भगवान, हे भगवान प्लीज, हे देना देना हे देना हे देना। ये करके कर रहे हैं वाले, ये गेम वाले करके कर रहे हैं। ऊपर जस्ट 2,50,000 है, नहीं ये देखो ये क्या, ये करके कर रहे हैं गेम वाले मेरे साथ भाई, ये करके कर रहे हैं गेम वाले मेरे साथ। इनको मजा आ रहा है भाई, इनको मजा आ रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ ना। ये देखो 1,000 क्रेडिट भाई, ये करके कर रहे हैं भाई ये। अगर अभी नहीं मिला ना, अगर अभी भी मेरे को 1 लाख क्रेडिट के आसपास, ये तो है ही नहीं इसमें। अरे भाई साहब 50,000 रुपया भाई आया। ये क्या है भाई, व्हाइट ब्लेजर पहन के घूम में, गर्मी हो रही है। 4,000 रुपये, कम ऑन यार ब्रो, कम ऑन। हाँ वो लैम्बोर्गिनी भी चलेगी वैसे, पैसे नहीं भी तो मिल रहे तो। हाँ वो लैम्बोर्गिनी भी चलेगी। फाइनली ये देख रहे हो तुम यार, डर गया गेम मेरे से। ये बॉडी देख रहे हो कैसे नहीं डरेगा ये गेम मेरे से। बेटे फ्लिम्टुम भाई डर के रहना पड़ेगा। अरे भाई सही में डर गया क्या। अरे भाई 50,000 रुपये भी दे दिए तो मजा आ गया। 2 लाख गए नीचे जस्ट, कोई बात नहीं, ऐसे पिछले 2 में बहुत ज़्यादा मिले भाई। अब कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हगा हुआ ही देगा, ठीक है। 7 स्पिन बचे मेरे पास खाली। ये क्या है नीचे। Let's go भाई, 2 लाख क्रेडिट प्लीज। फोर्ड फिएस्टा चला हूं मैं अब भाई, वहां मर्सिडीज AMG 1 के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, फोर्ड फिएस्टा दे रहे हैं भाई। कम ऑन यार, जस्ट ऊपर नीचे ही था पैसा भाई, 1,50,000 देना देना। 20,000 पर अटका के 1,000 रुपये, खत्म हो गए मेरे स्पिन। हमारे पास खाली 2 मिलियन क्रेडिट्स है ब्रो, खत्म हो गए मेरे स्पिन। हमारे पास खाली 1 मिनट, प्लीज भगवान, प्लीज भगवान थोड़ी किस्मत चला दो, प्लीज भगवान थोड़ी सी किस्मत चला दो बस। आता हूँ गाइस थोड़ा सा ग्राइंड करके, ठीक है आता हूँ थोड़ी देर में थोड़ा सा ग्राइंड करके। तो गाइस यार फाइनली तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दिए पूरे के पूरे पैसे, और हम आ चुके हैं अपनी
मर्सिडीज लेने। हे भैया निकालो जरा वो मर्सिडीज, हाँ निकालो जरा मर्सिडीज बाहर निकालो, दिख नहीं रहा है कौन आया सुप्रा में, हैं? चलिए हमारी मर्सिडीज निकालिए जरा बाहर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं, इट इज़ टाइम बॉयज, इट इज़ टाइम, यू नो व्हाट टाइम इट इज भाई, इट इज़ डिस्को टाइम भाई। कहाँ है यार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ला ला ला, हम आ गए हैं अपनी ए एम जी वन लेने भाई। बिन अ लॉन्ग डे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, हद्दी मच गई, बट फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी ए एम जी लेने के लिए भाई। देखो मेरे को ये कलर भी बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, बहुत ज़्यादा कूल, बट आई एम नॉट श्योर कि ये रोड पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है इसको देखते हैं एक बार, ब्लैक एंड वाइट को देखते हैं। लेकिन फिर कायदे से अपनी जो एस वी 12 है वो भी ऐसी दिख रही है, तो थोड़ा सा एक बार वॉक अराउंड देख लेते हैं। देखो पीछे से तो चलाते टाइम ये वाइट लगेगी पूरी गाड़ी, पर यार कम ऑन यार, मेरे को नहीं लगता है कि एम जी वन को वाइट होना चाहिए। इसमें क्या बना हुआ है, ये फूल पत्ते, अरे भाई यार फूल पत्ते फूल और सबनम तुमसे अच्छा कौन है, ना ना ये तो भाई, ये तो ना भाई, ये तो नहीं भाई, ये तो नहीं नहीं भाई। पिंक कुछ गाड़ियों में अच्छा लगता है, मना नहीं करूँगा झूठ नहीं बोलूँ तो, बट भाई ए एम जी वन में तो अच्छा नहीं लग रहा है फॉर श्योर भाई, ठीक है फॉर श्योर। एक बार इसको दोबारा देखते ज़रा यार, ठीक है अगर मन लगेगा तो इसी को करेंगे, क्योंकि कायदे से पेंट बहुत ज़्यादा महंगा होता है रियल लाइफ में, ठीक है। और हम लोगों को पीछे से कैसा दिखेगा, ओ भाई ये एक्चुअली पीछे से बहुत क्रेजी दिखेगा। चलो ठीक है ठीक है, एक बार भाई 2.7 मिलियन की गाड़ी ले रहे, थोड़ा देखना तो बनता है यार, कम ऑन यार। ओ भाई ये प्रॉपर वही है राइट, यप ये प्रॉपर वो है, रेस कार है इसकी भाई, मैं तो बोलता हूँ ये लेते हैं भाई। ये देख रहे हो कितना कूल लग रहा है, नीचे सियान कलर की नियॉन जैसी आ रही है, और ये प्रॉपर ऐसा लग रहा है वो रेस कार जैसा, और ये है वो असली कलर जैसा जो मैं बोल रहा था ना ऑलमोस्ट, मतलब ये भी उतना क्रेजी नहीं है, थोड़ा सिल्वर टचेस हैं वो सब है। मेरे को ये बहुत कूल लग रही है, बट फिर भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें सबसे बढ़िया कौन सा लगता है। देयर वी गो गाइस, पूप 2.7 मिलियन साफ हमारे अकाउंट से, बट हमारे पास आ चुकी है मर्सिडीज एएमजी 1। लेट्स मर्सिडीज एएमजी 1, क्या लग रही है भाई ये गाड़ी। ओ एक मिनट, ये ऐसी खुलता है क्या, व्हाट, डोंट टेल मी ये एरोडायनामिक होने के लिए ऐसा खुल जाता है। ओ भाई लाइट है अबे यार क्या ऐसा लग रहा है बच्चों जैसा भाई, ये क्या चीज है मतलब। ओ ओके 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 ठीक है मेरे को वो तो नहीं करना है अभी, और टायर्स में भी हम लोग चेंज करा सकते, ये तो भाई ये तो खैर ये तो हम बाद में कराएंगे। तुम लोग बताना कि क्या तुम लोग देखना चाहते हो ऐसा या नहीं देखना चाहते हो। ओ भाई बटरफ्लाई डोर्स, अबे यार कौन बंदा होगा जिसको बटरफ्लाई डोर्स पसंद नहीं है भाई। लेट्स गो, हम लोग अंदर आ चुके हैं गाइस गाड़ी की, और देख रहे हो प्रॉपर ट्रैक कार है भाई, प्रॉपर ट्रैक कार है ये। लेट्स गो भाई, हॉर्न, अच्छा हॉर्न तो ओए हॉर्न इसका वो कर दूं क्या, एक लेजेंडरी हॉर्न मिला था हमें गाइस। भाई मैं हॉर्न नीचे को देखते हुए कैसे करूं इसको सेलेक्ट, अच्छा एंटर, ये रहा हमें ये मिला था ना लेजेंडरी, क्या है ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, लेजेंडरी म्यूजिकल हॉर्न सी ऑफ थीव्स। ये यार ओ माइनक्राफ्ट की थीम यार ये मुझे चाहिए यार, बैटल टोड्स, ओ भाई साहब यार ये तो बहुत कूल चीज है भाई। वहां पर लेजेंडरी साउंड इफेक्ट्स में भी कुछ पड़ा है क्या जी यार, ये क्या था अभी के लिए तो हम लोग ये वॉरलॉग थीम के साथ ही जा रहे हैं, ठीक है एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। नो वे, अच्छा अभी हमारे पंजे दबाने से कुछ नहीं होगा। ओ माय गॉड, ये क्या, एक मिनट रुको, अच्छा इसको हम ऐसे करके रोड पे ले जा सकते हैं चाहे तो, रुको जरा एक बार मुझे एक्सप्लोड करानी है एक कार, अच्छा ओके ओके मेरे को पहले बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए।
अब एक बार गाड़ी को एक्सप्लोड कराते हैं, ठीक है, ये बंद हो गई, ठीक है, अब गाड़ी को एकदम बूम, ओके, यही दो चीज़ें खुलती हैं इस गाड़ी की, इसका मतलब इसमें कोई डिक्की नहीं है, कुछ नहीं, भाई ट्रैक कार है, डिक्की कहाँ से आई, ओके, प्लेट में भी मैं चेंजेस करवा सकता हूँ, चाहूँ तो कस्टम प्लेटिंग करवा सकता हूँ, ये तो खैर ये सब तो चैसी वैसी तो हम लोग रोल बार्स वो सब चीज़ें तो बाद में देखेंगे भाई, ठीक है ना। अब निकालते हैं जरा अपनी मर्सिडीज एएमजी 1 को रोड पे भाई, लेट्स गो। ओ भाई साहब, लिटरली मैं मजाक नहीं करूंगा, ये क्या लग रही है रोड पे भाई, और भाई इसमें मोड्स है, व्हाट, ये क्या करा मैंने, ओ भाई पीछे से वो खुल रहा है, व्हाट, वो देखो स्पॉइलर खुल रहा है, अब ये ट्रैक मोड हो गया है, ओ भाई यार एमजी वन तो क्या गाड़ी है, और अगर मैं जी दबाऊं तो ये इसको नीचे ले आएगा, राइट, हाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नो वे ब्रो, नो वे, और अब गाड़ी हाईवे में चलाने लायक होगी नॉर्मल, व्हाट, और प्रॉपर फोर व्हील ड्राइव है, लेट्स सी गाइस, जो हम लोग नॉर्मल अपनी सारी कार्स के साथ टेस्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग उनको यहाँ पे लेके आते हैं, भाई ये क्या दिखने की क्या लग रही है यार, झूठ मत बोलना गाइस, ओ ट्रैक डालती, ये पीछे से ऐसे उड़ जाता है और ये आगे के खुल जाते हैं, ट्रैक डालती, राइट, पहले हाईवे में चेक करते हैं फिर देखते हैं ट्रैक में क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है इस कार में, लेट्स गो बॉयज, हो जाए भाई, 1 2 3 गो, भाई ये क्रेजी जा रही है मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को अभी से, नॉट बैड ब्रो, नॉट बैड, 300 टच करने को रेडी हो गई थी ये इसी ड्रैग में, और सोचो कार अभी थोड़ी सी भी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, थोड़ी सी भी वो नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है, उसके ऊपर से ये हाईवे मोड में चल रही, समझ रहे ना, एक तरह से हमारी कार्स का इकोनॉमी मोड जो होता है, मतलब मैं पंजा दबा रहा था ये थोड़ी देर बाद निकल रही है आगे को, ऐसा नहीं भगने को तैयार हो रही है, और हाईवे मोड में भी भाई ये 250-300 कर रही है भी। क्या बोलूँ भाई, हाईवे मोड है इसका 300 किलोमीटर बराबर चल रहा है भाई, और भाई इसका ABS बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, गाड़ी ने रपट खाई है, लेट्स गो, ठीक है, अब चेक करते हैं जरा इस गाड़ी का ट्रैक मोड, हो जाए भाई, अच्छा आगे के अभी भी नहीं खुले हैं, चलो ठीक है, ओ खुल गए, ओ भाई अब ये आगे ट्रैक मोड में, लेट्स सी गाइस क्या होता है, ठीक है, हैं मतलब ट्रैक मोड में ये उतनी फास्ट नहीं गई, बट गाड़ी ने जो रिस्पॉन्स दिया है, मतलब गाड़ी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत फास्ट भाग रही है ट्रैक मोड में, एकदम क्रेजी जा रही है, बट कार ने रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा दिया है, और ब्रेकिंग भाई ये देखो वो, क्योंकि सीधी सी बात है एरोडायनेमिक बनती ना कार, पीछे से उसका स्पॉइलर खुल जा रहा है, वो सब चीजें, ओ माई गॉड, टू रूल ऑफ भाई, और आवाज देख रहे हो प्रॉपर ट्विन टर्बो की भाई साहब, एक्चुअली ट्रैक मोड में ये हाईवे से थोड़ा सा स्लो हो रही है मेरे हिसाब से, जस्ट बिकॉज सीधी सी बात है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया एरोडायनेमिक वाली चीज, बट भाई जो ब्रेकिंग आ रही है, जो वो सब आ रहा है, तुम समझ रहे हो, इसका मतलब हम लोगों को कॉर्नर को काटने में कितना आसान होगा, जैसे हम लोगों को ये कॉर्नर काटना है, अब इसको इधर को काटनी है, ओ भाई साहब, भाई क्या कट रही है, देखो तुम्हें गाड़ी एकदम से, और ब्रेकिंग देखो गाइस, यार प्लीज मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या तुम लोग चाहते हो कि हम लोग इस कार को एक बीस्ट कार बनाए, जो कि ऑलरेडी एक बीस्ट है भाई, मर्सिडीज MG1 डैम ब्रो, बट लेट मी नो गाइस, ठीक है, क्या तुम लोग देखना चाहोगे कि हम लोग इस कार को एक बीस्ट कार बनाए, एक बार देखते हैं इसे ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं क्या,
अभी उतनी पावर तो जनरेट नहीं कर रही है, इसको हम लोगों को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। बट तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में, क्या हम लोग अपनी मर्सिडीज AMG 1 को मॉडिफाई करें या नहीं।